धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक के कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर चित्रकूट के स्थानीय लोगों को रोपवे में रोजगार नहीं मिला तो वे रोपवे नहीं चलने देंगे और इसमें जिला प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। विधायक ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे कंपनी के प्रबंधन को कोलकाता रवाना कर देंगे। बता दें, सांसद गणेश सिंह ने चित्रकूट की हनुमान धारा पहाड़ी पर 9 नवंबर को रोपवे का उद्घाटन किया था। बताया जा रहा है कि विधायक के प्रयासों से हनुमान धारा रोपवे की सौगात मिली है, लेकिन कार्यक्रम में उनकी अनदेखी की गई। इसी बात से विधायक नाराज चल रहे हैं। अगर एक भी लोकल के बाहर का कोई भी रहा तो आपकी रोपवे नहीं चलेगी। मैं नहीं जानता कुछ, चित्रकूट के लोकल लड़कों को अगर रोजगार नहीं मिला तो मेरी बात सुनो, तो आपकी रोपवे नहीं चलेगी। मैं आप सबको बिठा के इसी रोपवे में कलकत्ता भेज दूंगा। मेरा बिल्कुल अनुरोध मान लो, आप कुछ भी मान लो, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, अपने बॉस को बता दीजिए। आज तो सिर्फ ऐसे मिलने आए हैं और बताने आए हैं, अगर हमारी बात में ढिलाई की गई तो मैं ताला लगा देंगे और यहाँ जो भी आपके हैं लोग वो सब अपने घर चले जाएंगे। यहाँ सरकारों का फर्क नहीं पड़ना चित्रकूट में, आप नोट कर लो, ना किसी कलेक्टर का फर्क पड़ना, ना किसी एसपी का, ना किसी एसडीएम का। भूत तभी होगा जब पहले इसकी टेक्निकल जांच हो जाएगी जो बीच में लूम है, दूसरा जब तक यहाँ पे लोकल के लड़के नहीं रहेंगे तब तक नहीं चलेगा। यार बाहर से आके नोट छापोगे और यहाँ का लोकल लड़का भीख मांगेगा? तो सबसे बड़ा विषय है कि इन्हें रोपवे तो चालू कर दी, रोपवे चालू करके कोलकाता के लोग आगे चित्रकूट में अगर पैसे कमाएंगे और चित्रकूट क्षेत्र का युवा बेरोजगारी का दंश झेलेगा, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे रोपवे चले और नहीं, तो इनको हम यहाँ से सीधे कलकत्ता के लिए रवाना करेंगे। कलकत्ता जाएँ, चित्रकूट में अगर कोई चीज़ चलेगी तो यहाँ का लोकल लड़का, यहाँ का लोकल निवासी वहाँ पर काम करेगा।